अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए, मूवी शुरू होने वाली है। अभी आपको दिखाते हैं कि रहाइश वाले घर में दीमक की दवाई डालने का क्या तरीकाकार है। अस्सलामुअलैकुम। आपके सामने हाजिर है, ये ट्यूब ब्लॉक में पहुंच गए हम। नईम भाई का घर दीमक स्प्रे के लिए, और दीमक इसमें बाहर से ही आप देख लें कि ये शुरू हुई है। ये सारी दीमक क्यारी में, ये सारी मट्टी में, वो पौधे भी जो है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा दीमक लग चुकी, ख़राब हो रहे हैं ये। तो इसलिए नईम साहब ने ना कहा कि ये इससे पहले के अंदर ये पहुँचे अंदर, बल्कि पहुँच चुकी है, बहुत ज़्यादा सारी ख़राब हो चुका है। तो अभी हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। तो ये है सूरत हाल, ये घर है जिसमें हम एंटर हो गए। मलिक साहब का घर है ये। मलिक साहब हमारे पुराने दरीना दोस्त हैं। ये दरवाज़ा मेन एंट्रेंस ड्राइंग रूम की। अभी हम यहाँ पर नहीं जा सकते, अंदर कुत्ता बांधा होगा। ठीक है जी, ये अलमारी है टीवी लाउंज की। ये देखें, ये ऊपर नीचे नजर आ रही दीमक लगी हुई। यहाँ पे हमने करना है ये अलमारी हर खाने में ना एक सुराख करना ड्रिल मशीन से, और सारी के स्प्रे करना है, इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देना। आई डॉगी भी आ गया यहीं पे काटने के लिए, बचाओ। हम अंदर एंटर हुए हैं, ये ड्राइंग रूम का दरवाजा है, और ये किचन है, ये एक बेडरूम। इसमें लगी नहीं, अलमारी में नहीं लगी थी। नहीं, उधर बनी है। ये अलमारी है जी, इसमें करना कह रहे हैं कि नहीं लगी दीमक, लेकिन हमने करना। और ये बाथरूम है, ये ये देखें जी, ये अलमारी के अंदर नज़र आ रही है। अभी इसको खोलना खतरनाक है, खोलेंगे तो ये हमारे ऊपर गिर सकता है। वो देखें, कब्जा इसका उखड़ चुका है, साइड से ये ज़्यादा खाई जा चुकी है अंदर से। बाकी इसका कल जब हम करेंगे तो फिर पता चलेगा। आज घर वाले ज़रा मेहमान वगैरह आए हैं, तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे हम इसको। ये देखें, ये अलमारी फुल बटा फुल भर चुकी दीमक से। ये देखें जी, ये किचन का दरवाज़ा है। ये अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि लगी, लेकिन कल जब हम ड्रिलिंग करेंगे एक दरवाजे में तो नज़र आ रही है ये लगी। ठीक है जी। नहीं, ये बेडरूम का दरवाज़ा है, ये किचन का दरवाज़ा है। सारी इसकी चिगाट जो है वो लकड़ी की है, और इसमें बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि इसमें नहीं है, इसमें ज़रूर होगी। ये किचन है, इसके हर कैबन में हमने एक ड्रिल मशीन से सुराख करना है, और इसमें दवाई इंजेक्ट कर देनी, ऊपर स्प्रे कर देना। इससे एक तो दीमक ख़त्म हो जाएगी, बाकी जो दूसरे कीड़े मकोड़े वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा काम है, हमने देख लिया, तो कल हम आके इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे। ठीक है जनाब।